सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लीला राम जी को मेरी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि कैथल का विकास और प्रगति वो और आगे बढ़ाएंगे जो 15 साल में हम लेकर गए, और आज जो है उनका दिन है, इसलिए अगला सवाल उनसे पूछ लेकिन जो आए हैं काफी जो है कोशिशें की गई, आपने काफी शिकायतें की, दो दो बार इलेक्शन कमीशन पे भी गई आपकी पार्टी, आपको लगता है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है? मुझे नहीं लगता कि कोई षड्यंत्र यहाँ है। मैं धन्यवाद करती हूँ आदमपुर की जनता का, जिन्होंने 35,000 वोट से मेरा समर्थन किया और मुझे स्वीकार कर लिया गया है आदमपुर में। पहली बार कोई ऐसा, मतलब बीजेपी को पिछली बार 8,000 वोट मिला था और 35,000 वोट देके आदमपुर की जनता ने साबित किया है कि उन्होंने बीजेपी के नेता को स्वीकार किया, अगली बार के लिए प्रयास करेंगे। मैंने चुनाव जब शुरू हुआ था उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि आदमपुर के जनता के प्यार और सहयोग से मैं अपने हाईएस्ट मार्जिन से इस बार जीत के दिखाऊंगा, और मैंने 5 चुनाव में आते जीते हैं और ये 6ठा चुनाव में हाईएस्ट मार्जिन से जीता हूँ। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन का जो भी विश्वास है, जो भी मत है, हम उसको स्वीकार करते हैं। सर आगे क्या सरकार बनाने की कोशिश होगी? सरकार तो मुझे लगता है कि लार्जेस्ट पार्टी हमारी उभर कर आ रही है तो सरकार तो बनाएंगे ही। अंबाला के लोगों का प्यार आईडी चेक और कार्यकर्ताओं की मेहनत है जिसकी वजह से 6ठी बार यहाँ से मुझे विधायक चुना गया। सर अभी तक जो जादुई आंकड़ा है उसको भाजपा नहीं छुपाई है, तो क्या लगता है सरकार बना पाएंगे? देखिए 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, हम जादुई आंकड़े तक पहुँच भी जाएंगे, अभी नतीजे आने बाकी हैं, लगभग आसपास हम पहुँच चुके हैं।